ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, देख रहे हैं आप सामने क्या नज़र आ रहा है, सज्जी, और वो भी किसकी, चिकन की और साथ में खरगोश की, जो यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी। तो हम आपको दिखाते हैं खरगोश की सज्जी कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है, कैसे खाई जाती है, कैसा गोश्त होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में रहिए और जानिए मज़ीद तफसीलात। तो भाई यहाँ पर जो है वो रैबिट सज्जी आप देख सकते हैं कि रैबिट सज्जी जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है इस वक्त। अच्छा, चिकन भी यहाँ पर दस्याब है, चिकन सज्जी अगर आप खाना चाहें तो चिकन भी यहाँ पर दस्याब है। लेकिन यहाँ पर स्पेशलिटी इनकी ये है कि रैबिट सज्जी जो है वो इन्होंने पहली मरतबा शुरू किया, और कराची शहर के अंदर शायद ये पहली ऐसी दुकान है जहाँ पर खरगोश की सज्जी आपको खाने को मिलती है, नहीं तो फ़िश सज्जी भी आपने खाई होगी। ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आप तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, फ़िश सज्जी और जहाँ तक चिकन की बात है वो तो आपने खाई ही होगी, लेकिन रैबिट सज्जी जो है वो हम पहली मरतबा आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, और पहली मरतबा आप ट्राई कभी करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये खरगोश जो है यहाँ पर इनको मसाला वगैरह लगा कर और सज्जी वाले फॉर्म में जो है वो रखा गया है। सकते हैं ये वाली जो है वो चिकन है और ये वाली जो है वो रैबिट सज्जी है। हम भाई को बोलेंगे थोड़ा सा जो है वो हमारा व्यू डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये वाली सलाद जो है वो हम साइड पे करवाते हैं ताकि हम डिटेल में इसको देख पाएँ। और भी यहाँ पर जो है वो अभी रैबिट तैयारी के लिए जो है यहाँ रखे गए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा है। अगर किसी को आप बिना बताए खिलाएं तो जो है बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता जो हमारे रिवाइज। हाँ, मतलब जो, हाँ, अगर किसी को पता ना हो तो वैसे रिवायती गोश्त ही समझता है। अच्छा, इसके अंदर विन विन आपके पास सिचुएशन है, इसमें कंज्यूमर के एंड पे भी बहुत बेनिफिट्स हैं और फार्मर्स के लिए भी, तो हर आदमी इसीलिए इसकी तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है। फिर अभी जाहिर है हमारे यहाँ ये चीज नई नई आई है, तो इसलिए भी लोगों के रगबत का जो है सामान है। देखिए, बहुत ज्यादा फर्क है। पहली चीज तो ये कि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है ना होने के बराबर है। फिर दूसरे जो गोश्त होते हैं रिवायती, उनके अंदर आपके पास सेलिनियम ऐड किया जाता है, इसमें कुदरती तौर पर मौजूद है। फिर इसमें ये देखिए एक एलिमेंट है, और ये बेसिकली दिल के आर्जे में आपको जो है मुआवनत करता है, उसमें हेल्प आउट करेगा। हमारे यहाँ जो कार्डाइड प्रॉब्लम्स और चीजें बढ़ती जा रही हैं, हमारी खराब खुराक और जो है हमारे एबनॉर्मल लाइफ स्टाइल की वजह से, तो ये आपको उसमें जो है बड़ा मददगार साबित होता है। चीज मुझे याद आ गई, इसके अंदर आपके पास जो है सोडियम लेवल बड़ा बैलेंस्ड होता है। बहुत सी दफा ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज जो है आपके पास सोडियम के सबब आ रहे होते हैं, इसमें वो बड़ा मुतनासिब है। रैबिट अभी तक ऑर्गेनिक है। अच्छा, रैबिट अभी तक ऑर्गेनिक है, इसकी म्यूटेशंस और ब्रीड्स अलग अलग हैं, मगर ताहाल ये जो है ऑर्गेनिक है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं आई, और मतलब ऐसी कोई मेजर चीज सामने नहीं आई कि जो है उसमें कोई जो है सोसाइटी के लिए थ्रेट हो।
वगैरह के पैरेलल लेके आ जाएंगे, इवन उससे भी नीचे जा सकता है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चिकन से भी नीचे जा सकता है और चिकन से 100 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास फार्मर्स अपने मौजूद हैं, हमारी अपनी सप्लाई चेन है, मेरी अपनी टीम भी है, और हम उसमें मज़ीद फार्मर्स का मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो चादर और चार दीवारी में अपने रूफ टॉप वगैरह पर जो है इसकी फार्मिंग करें, और हम उसके बाहर मौजूद हैं, हमें सेल करें। देखिए, हमारे पास एक्सपोर्ट वगैरह के भी बीच में ऑर्डर्स आए थे, तो ये एक मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है।